तो कैसे हो आप लोग आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और अभी मैं आई हूँ मार्केट और परसों है तीज तो चल रही है तीज की तैयारी परसों यानी कि 30 अगस्त को तीज है और आज है 28 अगस्त और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया और अब मैं आ चुकी हूँ घर और घर आने के बाद पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है दान के लिए और भगवान को चढ़ाने के लिए क्या क्या श्रृंगार का सामान लिया है इस बार मैंने अलग से इसका वीडियो नहीं बनाया है इसी वीडियो में मैं ऐड कर दे रही हूँ अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं कल अलग से एक वीडियो शेयर कर दूँगी अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं रहने दूँगी मैंने लिया है मेहंदी जो कि लगाने के लिए भी है और दान के लिए भी है नेल पेंट है पाउडर आलता सामा का सत्तू जो कि दान भी होता है और इसी से व्रत खोला जाता है सिंदूर है लिप बाम है लहठी है लाख का सिंघोरा है लकड़ी का छोटा सा दान के लिए इसके अलावा क्लचर है और ये प्योर लाख की लहठी है रक्षा सूत्र है बिंदी है दान के लिए भी है खुद के लिए भी है और यहाँ पर है लिपस्टिक सिंदूर और ये ऑरेंज वाला सिंदूर है जनेऊ तो ये सब है दान के लिए और चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान और दो बांस की टोकरी है तीज के लिए वैसे तो हमारे यहाँ पांच जगह चढ़ता है आप लोगों ने देखा ही है लेकिन तीन जगह मैं प्लेट में चढ़ाती हूँ और प्रसाद में अभी बस सेब आया है और पेड़ा आया है और ये चौरचन के लिए है चौरचन में भी दो जगह चढ़ता है तो एक जगह मैंने लिया है बांस की टोकरी और एक मैं प्लेट में चढ़ाऊँगी तांबे की प्लेट में थाली में और ये देखिए सारे बर्तन भी धुल के रख दिए हैं मैंने होगा तो कल मैं इसको नींबू से और साफ करूँगी तो ये सब तैयारी है और ये मटकी दही जमाने के लिए है दो है चौरचन के लिए और पांच तीज के लिए है पांच जगह होता है हमारे यहाँ तो इसको मैंने पानी में डाल दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और फेसियल की भी तैयारी हो गई है मैं घर में ही खुद से फेसियल करूँगी हमेशा की तरह और ये है थ्री फिफ्टी फ़ाइव रुपीज़ का जो कि मुझे न्यूड की तरफ से मिला है तीज के लिए तो मैं इसी से फेसियल करने वाली हूँ तो अभी मैं फेसियल करूँगी लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया टाइम की कमी के कारण और इसका रिव्यू वीडियो मेरे दूसरे चैनल पड़ी हेल्थ एंड ब्यूटी पर आएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अभी और भी तैयारी है जो कि कल करेंगे जैसे कि दूध वगैरह तो कल ही आएगा और अब मैं तैयारी कर रही हूँ तीज के बाद की क्योंकि तीज के बाद मेरी हो जाती है हालत ख़राब तो मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता है तो मैं क्या कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस करके रख दे रही हूँ तो आज मैंने कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे वैसे तो मैं डेली कपड़े धो ही लेती हूँ लेकिन अभी बीच में फेस्टिवल हो गया था जैसे रक्षाबंधन फिर इंडिपेंडेंस डे जन्माष्टमी तो कुछ कपड़े मतलब धोए हुए थे बट वो रखे हुए थे प्रेस करने के लिए तो आज मैं सबके ऊपर प्रेस करके और रख दूंगी ताकि कम से कम एक हफ़्ता दो हफ्ता मैं फ्री हो जाऊं तो अभी मैं जितने भी कपड़े पर प्रेस कर रही हूं सब पहले के धो के रखे हुए हैं और आज जो मैंने धोए हैं अभी वो सूखे नहीं हैं क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी तो साथ के साथ मैं बाद की भी तैयारी करके रख दे रही हूँ ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो तो आज टारगेट है कम से कम 14 कपड़ों पर मुझे प्रेस करना है अपने लिए ताकि दो हफ्ते मैं फ़्री रहूं देखते हैं कितने पर हो पाता है और इसके बाद सीधा मैं तीज का ही ब्लॉग शेयर करूंगी अगर ज़्यादा कमेंट आया तो फिर मैं श्रृंगार वाला वीडियो अलग से शेयर कर दूंगी नहीं तो मैं सीधा तीज का ब्लॉग शेयर करूंगी फिर चौरचन का करूंगी और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने मार्केट से क्या क्या लिया मैंने शॉपिंग हॉल भी शेयर नहीं किया तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से शेयर किया ही है कि मैंने दान का सामान लिया है और इसके अलावा मैंने ये वाली कुर्ती ली है और ये कुर्ती मैं लेके आई हूँ तीज वाले दिन चेंज करने के लिए मॉर्निंग में पूजा के टाइम में तो खैर साड़ी ही पहनूंगी शाम में मैं चेंज कर लूँगी चौड़चन के टाइम में मैं यही वाला पहनूँगी वैसे चेंज भी हो सकता है क्योंकि मेरा कुछ फ़िक्स नहीं होता है जब जो मूड हो जाए मैं पहन लेती हूँ वैसे तीज के लिए मैं एक नाइटी भी लेके आई हूँ रात के लिए लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी वैसे मैं ज़्यादा नाइटी पहनती नहीं हूँ लेकिन तीज वाले दिन मतलब रात को ऐसा लगता है कि कुछ हल्का पहनो और ये कुर्ती मैं लेके आई हूँ बाबा होजी अरी से जो कि ज़ीरो माइल पर है और अभी वहाँ पर ऐसा कुर्ती और भी है तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है सिक्स हंड्रेड कुछ का है तो इतने सारे कपड़े तैयार हो गए हैं और ये वाला भी मैं वहीं से लेके आई हूँ और इसका भी प्राइस सेम ही है तो देखिए अभी मैंने सिक्स कपड़े तैयार कर लिए हैं अभी और करने हैं मुझे और इनका तो मैं बाहर से ही करवाती हूँ तो ये भी मैंने करवा के मंगवा के रख दिया है ताकि मैं फ़्री रहूँ पूरे हफ्ते के लिए तो चलिए अब बनाते हैं खाना और खाने में मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी रोटी कल तो नहा खा है तो कल तो सिंपल खाना ही बनेगा बिना लहसन प्याज का तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ जो कि दो दिन पहले मैं पूजा में गई थी वहाँ का है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू